मेरे सभी प्यारे दोस्तों को आज सुबह सुबह की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और आज हमारा सफ़र शुरू होता है हैदराबाद के लिए। तो अभी मैं उठ के मैंने टायर चेक करके और अब हम यहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद सीधा हम लोग चलेंगे बैजरा जी, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर से आगे चलेंगे हम सीधा धुलिया, धुलिया से मालेगांव, ऐसे होते हुए हैदराबाद की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों इस सफ़र में आपको भी हमारे साथ रहना है, तो आप और हम मिलकर इस सफ़र पर मज़ा लेंगे। तो चलें चलते हैं, और चलते चलते कुछ बातें करते हुए, कुछ खाते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए इस रास्ते को और इस सफ़र को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। तो मेरे इस ब्लॉग में बने रहना, और बहुत ज़रूरी है आप लोगों का साथ मेरे लिए। तो धन्यवाद, लेकिन बने रहना, धन्यवाद कि अभी भी और बहुत सारा इसके ब्लॉग में एंड में भी, ठीक है। तो चलो चलते हैं मेरा। गुड मॉर्निंग साथियों, जय भीम, जय भारत। क्या हाल चाल, बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे, और खुश रहिएगा। खुश रहने से दिमाग और सेहत दोनों अच्छी रहती है। तो दोस्तों अभी हम क्या हैं, हम नेत्रंग पार करके एक जगह होटल है, होटल का नाम अभी मैंने देखा नहीं है, शिवम पार्क करके होटल है। हाँ, सामने लिखा हुआ है, सामने बोर्ड लगा हुआ है, शिवम पार्क करके एक होटल है, वहाँ पर रुके हुए हैं। और वहीं पे अभी यहाँ थोड़ा नाश्ता उस्ता करके मुँह हाथ धो के और फ्रेश व्रेश होके निकलेंगे। अभी मैं फ्रेश नहीं हुआ, सुबह 4:30 बजे चला था वहाँ से, और 4 बजे चल के अभी 8:10 हो रहे हैं, 8:10 में मैं यही रुका हुआ हूँ। तो अभी चलते पहले फ्रेश व्रेश बोलते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक। टॉयलेट उधर कोने में बना हुआ है, इधर नहाने की व्यवस्था है। चलते हैं। A few moments later. ये वो उससे ज्यादा है इसमें। और देखो देखो ये है ना, किसी पे चढ़ गया है, ये है ना, कट रहा है जो, ये देखो लग गया ना धार सा, एक लाइनिंग अलग ही खिंच गई है टायर के ऊपर। बिस्कुट है, चाय और बिस्कुट। दोस्तों चाय पी के निकल आए, और अभी क्या करेंगे ना, पहले हम चले थे 150 किलोमीटर चला के, पूरा 150 किलोमीटर चल के आया हूँ मैं, 3 घंटे हो गए, नहीं 3.5 घंटे पूरे नहीं हुए थे, मैं 150 किलोमीटर गाड़ी चला दी थी। अब 150 किलोमीटर गाड़ी चला दी थी, अब यहाँ से देखेंगे हम कितना चलेंगे 3-4 घंटे में, क्योंकि सिंगल रोड है, इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, और आधे घंटे से हमें ज़्यादा हो ही गया है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, और धूप भी तेज होने लगी है यार, अब दिन में हमारी धूप में ना हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पीछे ये जो सीट है ना पूरी उसकी रहती है रैगजीन की, तो पीछे पूरा गीला गीला होके ना सारा तकलीफ में फंस जाते हैं। तो चलो पहले पानी भर लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। और एक बात और, जैसा कि मेरे को कमेंट्स किया था डेविड ने कि भाई अपने दिन के एक्सपेंसेस के बारे में बताओ, तो देखो एक्सपेंसेस तो ऐसा हो गया कि 50 रुपये पहले हमने दिए चौकीदार को, और 20 रुपये का भी नाश्ता किया। अब देखते हैं दिन में खाना कितने का खाते, खाना खाएंगे फिर एक चाय, मैं चाय शायद सुबह या शाम ही पीता हूं, इतना चाय तो नहीं पीता हूं, रुक जाता हूं तो मतलब मन कर जाता है ना यार, खाली बैठे बैठे क्या ही करें। अब कुछ मैं क्या मान लो कि और, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक है, तो कोल्ड ड्रिंक तो उससे भी ज़्यादा बेकार चीज़ है, जैसे और कुछ हाँ रस्ते में अगर कुछ फल फ्रूट मिल जाए कुछ खाने, तो वो एक बात अलग हो गई। तो चलो अभी चलते हैं। तो ये थी गुजरात की चौकी, अब ये चौकी पार हो गई, अब यहाँ खत्म हो गया टोटल, गुजरात की सीमा खत्म हो गई। देखो एक बॉर्डर पे जैसे आया तो MH18 धुलिया की गाड़ी है, देखो जली खड़ी है बिल्कुल, नीचे नीचे से जल गई, सीमेंट लोड है। और ये देखो, और पास में जाके देखना, अब इसमें क्या ये बिना लापरवाही के जली होगी या कुछ, आजकल वैसे भी यार गाड़ियाँ थोड़ी इलेक्ट्रिक ज़्यादा हो गई हैं, थोड़ा सा लापरवाही में ही, थोड़ी सी लापरवाही में ही शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब ऐसा क्या हुआ होगा इसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट से ही जली होगी खासकर, तो है क्योंकि सीमेंट भरा हुआ, जलने वाली चीज़ तो है नहीं अंदर। नीचे तार देखो कैसे निकले हुए हैं टायर के, बहुत तेज़ी से जली होगी ये पूरी की पूरी, पूरा कोयला ही कोयला हो गया बताओ, छोटी लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है।
खुद का भी हुआ ना, जो गाड़ी मैं खुद चला रहा हूँ उसका नुकसान ही हुआ ना, हमारा नुकसान ही। तो अगर सबसे पहले कोई भी ड्राइवर करता है ना किसी चीज़ की, अगर छोटी मोटी लापरवाही करता है, सबसे पहले वो खुद का नुकसान करता है, दूसरे का नुकसान नहीं होता, सबसे पहले खुद का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ ये चीज़ है कि सबसे पहले हाथ की रोजी रोटी चली जाती है, सबसे पहले लात छोटी सी लापरवाही से खुद के पेट पे लगती है। लेकिन अगर जो समझने वाला होगा, अब जो ना ही समझे तो उसके लिए तो क्या ही कह दें। तो चलो पहले बॉर्डर पे आ गया हमारा नंबर बवंडा। अरे मुझे ब्रेकर पे रोक दू। आया मैं आया। लाइसेंस पे चलान करते, गाड़ी पे नहीं, मेरे लाइसेंस को बर्बाद करके रखा है, इस पे चलान भाई। ये लोग चलान कर रहे हैं, आ रहा हूँ मैं 2000 का चलान फड़वा के, तो टाइम लग जाएगा मेरे को, जरा सा नाराज मत होना। अबे लाइसेंस किधर गया? तो भाई लोग ये है 2000 रुपए का चलान जो कि हमारा हो गया है, तो अब यहाँ से निकलते हैं। भैया यहाँ का ट्रैफिक ऐसे रोड पे, इस रोड पे यार आगे पीछे पीछे से ना, ऊपर से पीछे से लेके पिछवाड़े तक सारा एकदम पानी पानी हो गया है पीछे। हाँ यार ब्रेकर देखो कितने शानदार शानदार है। 3 घंटे होने वाला है और अभी तक 100 किलोमीटर गाड़ी नहीं चली है, 70 किलोमीटर गाड़ी चली है। इस रोड का और उस रोड में देखो कितना फर्क हो गया। ये है भैया तलौदा। रोड की हालत देखो यार, ये पूरा ही टूटा पड़ा है। गाड़ी जंप इतना कर रही है, गाड़ी रोकते हैं यार, मेरा हॉर्न बंद हो गया गाड़ी का। गाड़ी का हॉर्न देख लेते हैं, सिंगल रोड है और सिंगल रोड पे हॉर्न नहीं चलेगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो गाड़ी साइड करते हैं, पहले हॉर्न चेक करते हैं क्या हो गया हॉर्न। ऐसा छुपा के हॉर्न लगा रखा है ना कि बंदे को दिखाई भी ना दे। ये देखो यहाँ लगा हुआ है। एक करके इसको दबा दिया ना, अभी बजने तो लगा। काम करते हैं जब तक, मैं ऐसा करता हूँ मेरे को आधा घंटा हो ही जाएगा यहाँ पर। अब रुके हैं तो एक काम कर लेते हैं कि यहाँ नहा लेते हैं। कपड़े पलटा ठीक है। तो दोस्तों नहा धो के हो गए तैयार, अब चलते हैं सीधा होटल में खाना खाने। दाल मत बनाओ, ये सब्जी बना दो भले। हाँ ये आलू मेथी बना दो। भाई लोग खाना हो गया है, चलते हैं यहाँ से, बहुत देर हो गई है और इस रोड पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। 12:30 हो गए पूरे के पूरे, हमने आधे घंटे के अंदर खाना भी खा लिया। खाना खा लिया आधे घंटे में तो खाया, रुके कब थे? 11:30 बजे। हाँ फोन बंद हो गया था ना तो 11:30 बजे थे। ठीक है ठीक है ठीक है। पिछली बार जब मैं यहाँ से गया था हैदराबाद, तब शाम को शायद
पांच बजे या 5:30 बजे तक यहाँ से निकल गए थे। मुझे तो नहीं लगता आज निकल जाएंगे, क्योंकि यार आज तो कुछ ज्यादा ही सड़क खराब हो रखी है, बहुत ज्यादा ही गाड़ी पांच नंबर चार नंबर गियर में चल रही है। देखो यार बहुत ज्यादा झटके खाने पड़ रहे हैं, देख रहे हो 3 नंबर में गाड़ी है। आज तो लगता पहुंच गए। ये तो शुगर है, महिंद्रा है, वो टाटा होती ना तो अलग ही उछलता हुआ दिखाई देता। मैं महिंद्रा में उतना नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि पूरा कैबिन सस्पेंस में वो है ना, सस्पेंशन है पूरे कैबिन में। वो टाटा के कैबिन में सस्पेंशन है लेकिन उतने नहीं, और ऊपर से उसमें जो सीट में है ना जंपिंग, बहुत बेकार चीज़ होती है। टाटा ने दी है लेकिन ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सीट की जंपिंग ड्राइवर को हमेशा अपने काम से अलग हटाती है। नदी कौन सी नदी है ये नाम नहीं लिख पा देख पाया। ये और मास्टरमाइंड है, ये देखो सर, तो फाइनली गाइस इस रोड से सिंगल रोड से मिल गया छुटकारा। अभी बस चढ़ने वाले हैं जस्ट, क्योंकि बहुत बहुत आज बहुत कुदा दिया इसने पीछे से। ये जवानी के झटके लगते ही रहते कहीं ना कहीं। कहाँ जाए, घर जाना होगा बस, तो घर से ज्यादा कुछ नहीं। धुलिया रे धुलिया रे, चाहे रोड पे गाड़ी खराब बचा लो रे। देखो कितना दूर है, जो बिल्कुल सट लगा, हल्का सा टच वो होगा और गाड़ी उतनी दूर है। देखो गाड़ी का और अमेरिका कितना गैप। तो पहुंच गए हम मालेगांव होटल पे, संयोग पे, जहां पहले हमने एक बार पहला में एक मैं कहां गया था, भूल गया कहां गया था, हाँ मुंबई गया था तब, यहां का बनाया था ब्लॉग। तो अभी चलते हैं, अभी पहले शीशे साफ कर लेते हैं फटाफट और फिर देखते हैं करना क्या है, ठीक है ना। शीशे साफ ये है वो होटल जो पिछली बार हम यहाँ रुके थे, और यहाँ पर संयोग पे ही रात को सो गए थे। तो अभी चल रहे हैं, एक यहाँ आए हैं तो एक चाय तो पी लेते, क्योंकि यहाँ इस होटल की चाय मैंने पिछली बार पी थी, अच्छी थी। लेकिन पर आज इस होटल की रौनक बहुत कम है, आज पब्लिक आई नहीं लगता अभी तक, नहीं तो झूले वगैरह भरे रहते हैं। तो ये इन्हें एक स्पेशल खेलने के लिए बच्चों के लिए बना रखा है, अलग मस्त है ना, ये देखो बैठने उठने के लिए सब सिस्टम। इसमें KMT का नाम है, वी ट्रांस का, ये रहा ना, देखो देखो हमारी कंपनी का नाम है यहाँ, देखो ये रहा। इसमें नीचे बनाए गए लिस्ट की तमाम गाड़ियाँ जो होटल संयोग पर रुकती हैं, उन तमाम ड्राइवरों को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखो होटल ने बाकायदा ड्राइवरों के लिए तो सब कंपनियों का नाम, किन किन का है, महावीरा है, HDFC है, चौहान, ये सब कंपनी का, ये KMT हमारी। मतलब बोले तो बिल बना दो बस। मतलब बोले तो बिल बना दो बस, और क्या है। लिमका लिमका
बीस वाली वो लिमका लिमका वो उधर है, उधर है बताना पड़ेगा। हाँ वो रहा देख वाइट वाला, हाँ ये वाला वाइट वाला देख। दूसरा नाम क्या यार, लिमका ही तो है, लिमका ही तो है। तो निकलते हैं यहाँ से, 7:15 हो गए हैं, तो तकरीबन हमें एक घंटा और चला लेते हैं। कंटिन्यू करते इस ब्लॉग को, बाय।